तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और बार इस वीडियो में। और आज मैं सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो कुछ भाइयों ने कमेंट्स में किया था। और इसके ड्राइविंग परफॉर्मेंस, इसके मतलब हमारे टिगोर के ड्राइविंग परफॉर्मेंस वगैरह को रिलेटेड ले, तो देखते हैं। पहले कमेंट्स पढ़ते फिर आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूँ। कमेंट्स पढ़ के उनको पहले आंसर दे देता हूँ एंड देन आगे का वीडियो जो है वो कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रीतन शाह भाई ने पूछा है। योर वीडियोस आर नाइस डिटेल्ड एंड टू द पॉइंट, नो वन हैज एक्सप्लेन्ड इन सच डिटेल्स ऑफ द एलपी पैक लाइक यू। कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ड्राइव रिव्यू, प्लीज इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंटर्स: इंजन एनवीएच लेवल्स, कैबिन इंसुलेशन, गियर शिफ्ट स्मूथनेस, म्यूजिक सिस्टम एक्सपीरियंस एंड माइलेज। तो सबसे पहले प्रीतन शाह भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी ऑसम कमेंट करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरा वो वाला वीडियो पसंद आया। और आपका जो पहला सवाल था वो था इंजन एनवीएच लेवल्स के बारे में। तो इंजन एनवीएच लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो BS6 फेज 2 का इंजन इसमें आता है, कि काफी सारी रिफाइनमेंट्स उन्होंने की थी इस BS6 फेज 2 के इंजन में। और एक्चुअली मतलब मुझे जो है वो डिफरेंस फील हुआ जब मैं कार परचेस करने से पहले, हम लोग बाकी कार्स भी देख रहे थे पंच एंड ऑल, बट उसमें तब तक BS6 फेज 2 का इंजन नहीं आया था, क्योंकि मैं दिसंबर से ही कार के बारे में रिसर्च कर रहा था कि उस बजट में कौन सी कार अच्छी है अंडर 10 लाख रुपीस के। तो मैंने जो देखा उस टाइम पे जो पंच का साउंड था वो काफी था, और पंच में, टिगोर में और अल्ट्रोज में आपके सेम इंजिन मिलते हैं, तो इंजिन सेम है, सिर्फ आपके जो है वो वेरियंट चेंज होते हैं। हैचबैक सिडान, आई मीन कॉम्पैक्ट सिडान लाइक टिगोर, एंड जो है हमारी टाटा पंच कॉम्पैक्ट SUV के कैटेगरी में आती है। तो इंजन नॉइज मुझे पंच का थोड़ा सा तभी ज्यादा लगा था कैबिन के अंदर, और अभी जब मैं वो डिफरेंस फील कर रहा हूँ BS6 फेज 2 के इंजन का और इस टिगोर में, तो पता है मुझे कार्स चेंज हो गई, पहले पंच थी तो अभी टिगोर है। बट टिगोर में गाइस सच में जो BS6 फेज 2 का इंजन है वो काफी साइलेंटली मतलब है, और 3 सिलेंडर इंजन से आप ज्यादा नॉइज लेवल या एनवीएच लेवल्स के एक्सपेक्टेशंस ना ही रखो तो ही बेटर है, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस ऑलवेज फील आपको होंगे कार में। और इतने भी नहीं है, काफी सारा मतलब रिफाइनमेंट किया है टाटा ने। स्टेयरिंग व्हील पे हल्का सा आपको वाइब्रेशन फील होगा, गियर नॉब पे कभी कभार या फिर कभी नहीं, अगर टॉप गियर पे हो गए तो नहीं होगा आपको फील, लेकिन फर्स्ट गियर और सेकंड गियर पे कभी कभार हो जाता है फील। तो गाइज आज हमारे चैनल पे हो चुके हैं पूरे 100 वीडियोस कंप्लीट। तो या गाइज ये सब आप ही की वजह से हो पाया, 100 वीडियोस का मार्क आज जो है वो हमने हमारे चैनल पे क्रॉस कर लिया है। आई होप ये ऐसे ही हमारा चैनल चलता रहे और मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूं ताकि आप लोगों तक जो है वो सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और ये एक सेलिब्रेशन का मोमेंट जरूर है। तो गाइज चलो सेलिब्रेट करते हैं इस वीडियो के साथ। और जहां तक आपके सेकंड सवाल की बात रही, हाउ इज द कैबिन इंसुलेशन, तो काफी हद तक कैबिन हमारा इंसुलेटेड रहता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो अभी बाहर से कुछ कार्स एंड ऑल गुजर रही है, और अगर मैं विंडो ओपन करूं तो आपको उसका जो है वो साउंड फील होगा। देखो ये काफी सारा मतलब अभी बाहर का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, मैं उस साइड की भी विंडो ओपन कर देता हूँ ताकि आपको सराउंडिंग साउंड फील हो। और या तो ये कुछ साउंड्स, और अगर मैं दोनों ग्लास अभी अप कर दूं, इधर का भी और यहाँ का भी, तो देखो आप फील कर पा सकते हो कि कितना इंसुलेटेड है कैबिन। और या कार्स एंड ऑल भी पास हो रहे, बसेस पास हो रही है बाजू, पता है वो इलेक्ट्रिक है बट फिर भी ज्यादा साउंड नहीं आता। बाहर का जो है वो काफी हद तक अच्छे खासे लेवल पे ये जो है अपनी कैबिन इंसुलेट कर देते है टाटा टिगोर। और जो थर्ड सवाल है आपका गियर शिफ्ट स्मूथनेस के बारे में, तो फर्स्ट और सेकंड गियर्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट से सेकंड गियर्स आसानी में लगते हैं, सेकंड से थर्ड तो एकदम स्मूथली लगता है, और थर्ड से फोर्थ जो है वो बटर स्मूथ है, और फिर फोर्थ से फिफ्थ भी अच्छा खासा स्मूथ है। बट फर्स्ट से सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा हायर RPMs पे, और जो बाकी के गियर्स है थर्ड सेकंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फोर्थ देन फोर्थ टू फिफ्थ, वो काफी अच्छे से स्मूथली जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप हायर RPMs पे होंगे तो, बाकी सब तो एकदम नॉर्मली गियर मतलब अच्छे से स्मूथली शिफ्ट होते हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है म्यूजिक सिस्टम एक्सपीरियंस के बारे में, तो भाई मैं अगर जॉब पे भी जाता हूँ इस कार में थोड़े से म्यूजिक के साथ मतलब जाता हूँ, म्यूजिक बजा के जाता हूँ, या कभी कभार रेडियो भी लगाता हूँ, बट जो म्यूजिक ओवरऑल एक्सपीरियंस है गाइज लाइक इट्स फैंटास्टिक। ये जो सेगमेंट है 10 लाख रुपीज के अंदर का, इसमें ये आई मीन नॉट ओनली टाटा टिगोर बट टाटा पंच एंड टाटा अल्ट्रोज, ये तीनों में आपको
हरमन का इंफोटेनमेंट दिया जाता है टाटा की तरफ से और JBL के जो है वो अंदर स्पीकर्स मिलते हैं। तो गाइज आप इमेजिन ही कर सकते हो कि कितना बेस्ट एक्सपीरियंस होता है अगर मैं म्यूजिक एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं। और गाइज 8 स्पीकर्स इसमें आते हैं, यानी कि 4 ट्विटर्स और 4 स्पीकर्स जो थोड़े से सबवूफर का भी काम करते हैं, बट जो बेस लेवल्स है, जो टेरेबल्स है, काफी अच्छे से वेल बैलेंस्ड है। और आपको इसमें म्यूजिक इक्वलाइजर भी मिल जाता है, तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग म्यूजिक को, आपके स्पीकर्स को ट्यून कर पाओगे। और म्यूजिक के बारे में मुझे इस कार में एक और खास बात लगी गाइज, कि इसमें आपको जो है बैलेंस एंड फेडर नाम का एक ऑप्शन दिया जाता है, जो कि आपको मतलब थिएटर साउंड लाइक एक्सपीरियंस देता है। मैं आपको वो सेटिंग बताऊंगा भी जरूर, काफी अच्छा गाइज वो जो है वो मुझे ऑप्शन लगा। आई डोंट थिंक कि टाटा के अलावा कोई और भी उसमें ऑप्शन, कोई और कार ब्रांड भी उसमें ऑप्शन दे रहा है ऐसे वाला। तो गाइस आप एक तो लेफ्ट में जो है वो साउंड एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फुल राइट में, या फुल फ्रंट में, फुल बैक में, तो मतलब या फिर कोई एक कॉर्नर में आप साउंड जो है वो एक्सपीरियंस कर पाओगे, एकदम थिएटर लाइक जैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको जरूर गाइस एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मैं म्यूजिक के रिलेटेड लाने वाला हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी, मुझे पता है कि माइक भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, आपको खुद शोरूम में जाके एक्सपीरियंस ही करना होगा ये सब चीज। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना आपको एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करूंगा। और गाइस म्यूजिक के बारे में बस इतना ही था, साउंड क्वालिटी अमेजिंग थी। एक डेडिकेटेड वीडियो इसके इंफोटेनमेंट के रिलेटेड मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें म्यूजिक की हम टेस्टिंग भी करेंगे, तो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और पता है मुझे काफी लेट वीडियोस आते हैं, बट या जो भी आएगा वो काफी अच्छा ही वीडियो आएगा गाइज। और जो लास्ट क्वेश्चन था हमारे भाई का वो था माइलेज के रिलेटेड। गाइज सिटी के अंदर मुझे 13 और 14 के बीच में ये कार जो है वो एवरेज दे रही है। यानी कि 14 किलोमीटर पर लीटर आप पकड़ सकते हो, बट फिर भी मैं 13 ही पकड़ूंगा क्योंकि ये रफ फिगर्स होते हैं, तो एक आध डिजिट जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी दो डिजिट भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट अगर मैं हाईवे की बात करूं तो ये अबाव मुझे 21 या 22 का एवरेज इजीली देती है, अगर आप लाइट फुटेड चला रहे हो और आप अगर थोड़ा सा रश कर रहे हो तो आपको ये 20 और 19 तो आराम से दे देती है हाईवे पे। तो या माइलेज के रिलेटेड जो है वो ज्यादा इश्यूज मुझे फेस नहीं हुए। हाँ सिटी में अभी काफी सारा यहाँ पे मुंबई का आपको ट्रैफिक पता ही होगा और सिग्नल्स भी जगह जगह पे, तो भाई कार्स का जो इंजन है वो अच्छे से वाल्व्स अपने खोल ही नहीं पाता, तो क्या एवरेज देगा। और हमेशा कार जो है वो क्लच और ब्रेक के भरोसे चलती रहती है, एक्सेलरेटर की कभी कभार ही जरूरत पड़ती है, इतना अभी कंजेशन हो गया है यहाँ पे। तो या और जब भी लॉन्ग ट्रिप में पुणे या फिर कभी कभी मेरे गांव में भी चला जाता हूँ, तो तभी मुझे जो है वो अच्छे से इसको एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि एवरेज क्या दे रही है कार। तो हम जब कैलकुलेट करते ऑन टैंक, मतलब टैंक टू टैंक अगर हम मेजर करते तो आराम से 22 का एवरेज निकाल के दे देती है गाइस। और अगला सवाल हमारे बीनू का ननकारा भाई का है, जो पूछ रहे हैं व्हाट कॉस्ट टू फिक्स पार्किंग सेंसर्स फॉर टिगोर। तो टाटा टिगोर के टॉप मॉडल के अंदर जो है वो रियर पार्किंग सेंसर्स नहीं आते, सिर्फ उनका बैक कैमरा आता है। और अगर आप सेकेंड बेस वेरिएंट लेते हो या सेकेंड टॉप वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और कैमरा नहीं मिलता। तो ये अगर आप कैमरा आपको चाहिए तो सेंसर्स वो लोग निकाल दे रहे, और अगर सेंसर्स चाहिए तो कैमरा निकाल दे रहे, दोनों चीज एक साथ नहीं दे रहे। तो मुझे उसके प्राइसिंग का भी अंदाजा नहीं है अभी तक, और ना ही कभी मतलब रियर पार्किंग सेंसर्स की अभी तक तो जरूरत पड़ी है कि मैं आपको एक प्रॉपर कॉस्ट दे पाऊँ कि उसकी कितनी कॉस्टिंग होती है एंड ऑल। तो या तो ये जो सवाल था उसका मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि कॉस्टिंग क्या होगी पार्किंग सेंसर्स को फिक्स करने की। और ये बात मैं कर रहा हूँ टिगोर के 2023 के मॉडल की। तो अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो 2024 में या 2025 में, तो तब तक पता नहीं टाटा ने कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया होगा इस रिलेटेड से लेके, यानी कि कैमरा प्लस पार्किंग सेंसर्स या कुछ और टेक्नोलॉजी। और हाँ फ्लिपकार्ट से मैंने ये पार्सल भी मंगाया था, जो कि टेम्पर्ड ग्लास हमारे इंफोटेनमेंट पे लगाने के लिए, तो चलिए लगाते।
तो फाइनली हमारा क्लास जो है वो लग चुका है इंफोटेनमेंट स्क्रीन का, और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ये लोगों ने, एक मिनट, हाँ, एंटी शॉक 9H प्लस हार्डनेस और नैनो ग्लास लिखा है। ये फ्लेक्सिबल काफी था, लेकिन ये पूरा फ्लेक्सिबल नहीं था। जैसे ये प्लास्टिक आपको दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, बट ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं था। था फ्लेक्सिबल बट पूरा ऐसा फोल्ड नहीं होता था, वो पूरा ऐसा फ्लेक्स कर, मतलब ऐसा फ्लेक्स नहीं होता था। तो या इस पर लिखा भी है कि नैनो ग्लास करके, देखते हैं अभी कितना ग्लास है और क्या। और अभी भी थोड़े से एयर बबल्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आई होप ये 2-3 दिन में अपने आप निकल जाएंगे। और अभी फाइनली गाइस जो सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट है वो हम एंजॉय करते हैं। तो गाइस फाइनली जो है वो ग्लास हमारा लग चुका है प्रॉपरली। मैंने लगाने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है, तो आई होप कि ये अभी लगा होगा प्रॉपरली, दिख तो रहा है वैसे मुझे। और एयर बबल्स काफी सारे, लेकिन ये निकल जाएंगे 1-2 दिन में, आई होप ऐसे ही हो। कुछ इस तरीके से मैंने अपना ट्राइपॉड सेटअप किया था उस साइड पे, और वहीं से आपको जो है वो फुटेज दिख रहा था। और अभी मैंने जो है फोन हाथ में पकड़ा है, तो या तो हेल्पिंग हैंड अभी फिलहाल नहीं था कोई भी फोन पकड़ने के लिए, तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ा मुझे ट्राइपॉड कार के अंदर। अगला क्वेश्चन मयंक लोखंडे भाई ने किया है, जो पूछ रहे हैं कि स्टेयरिंग कवर कहाँ से बनवाया, स्टेयरिंग व्हील कवर कहाँ से बनवाया। तो मयंक लोखंडे भाई, ये स्टेयरिंग व्हील कवर ना बनवाया है ना लगवाया है बाहर से, ये टाटा की ही तरफ से बन के आया है। और जो लेदर पैक अगर आप सिलेक्ट करते हो LP वेरिएंट टॉप मॉडल के अंदर जाके वो अनलॉक होता है, तो इसमें आपको जो वो लेदर का रैप मिलता है स्टेयरिंग पे और गियर नॉब पे भी, एंड सीट्स का तो आपको पता ही है उस पे भी मिलता है। तो जो है वो ये कंपनी की तरफ से ही आता है फिटिंग होके एंड स्टिचिंग होके। ये काफी अच्छा है बाय द वे, आफ्टर मार्केट अगर आप लगाने जाओगे तो स्टेयरिंग वगैरह वो आपके सामने खुल जाएगा। तो काफी ज्यादा दर्द आता है जब हमारे कार के कुछ पार्ट्स खोल लेते हैं कुछ लोग, वो भी केयरलेसली, और खोलने के बाद भी कैसे भी बिठा देते हो। तो उससे अच्छा तो यही है कि कंपनी की तरफ से लग के आ जाए, भले हमारे 2 पैसे ज्यादा जाए, बट जो है वो क्वालिटी का वर्क आपको मिलेगा। तो या स्टेयरिंग की अगर मैं फील की बात करूँ तो काफी अच्छा है, और ये लेदर पता नहीं ये जेन्युइन लेदर है या परफोरेटेड सिंथेटिक लेदर है, बट टच एंड फील में ये काफी अच्छा है गाइस। और जो स्टिचिंग भी है इसकी वो काफी नीट एंड क्लीन है, प्रॉपरली कट टू कट फिक्स, प्रॉपरली कट टू कट फील होता है ये स्टेयरिंग व्हील का जो है हमारा लेदर रैप है, और लगता नहीं कि ऐसे मतलब जबरदस्ती से इस पे लेदर चढ़ाया गया है। तो या स्टीयरिंग की लुक एंड फील काफी हद तक बढ़ जाती है अगर आप लेदर पैक सिलेक्ट करते हो, तो उसमें वो स्टीयरिंग पे भी लेदर आ जाता है। तो या टच एंड फील में काफी अच्छा प्रीमियम फील होता है। और जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊं, बारिश जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, अगर आप देख पा रहे हो विंडशील्ड पे। तो मुंबई का भाई यही एक ड्रॉबैक अभी फिलहाल चल रहा है कि बारिश जो है वो काफी हो रही है, आप देख सकते हो कितने सारे बूंद जमा हो गए अब कांच पे, तो इसलिए वीडियो बनाने में भी कभी कभी डिले होता है। प्रॉपरली वेन्यू अगर मैं फिक्स भी कर लूँ तो बारिश वहां पे आ जाती है, तो जो कि अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए, बट या इसी कारण मेरा टाइमिंग भी मैच नहीं होता है वीडियो बनाने का। और जॉब पे भी अभी लगा हूं, तो उसमें से भी अभी टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया, बट वीडियोस बनाऊंगा जरूर, आएंगी जरूर, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। और अगला सवाल भी उन्हीं का है, 70 mats का बताओ। तो गाइस 70 mats जो है वो हमने इंस्टॉल नहीं किए अभी तक कार में, नॉर्मल मैट्स जो लैमिनेट होते हैं ना, लैमिनेशन होता है, वो लैमिनेशन करवाया है, फ्लोर जो जिसको फ्लोरिंग भी बोलते हैं हम, कार फ्लोरिंग या कार लैमिनेशन वो की कराया है हमने, फ्लोरिंग लैमिनेशन भी बोलते हैं, फ्लोरिंग लैमिनेशन कराया है। वो 70 mat नहीं है, रबर मैट्स जो है वो टाटा की तरफ से एज अ एक्सेसरीज का पार्ट आया था हमारे लिए, तो वो भी हमने मतलब लगाया है, एज वेल एज उसके नीचे जो हमारा लगता है लैमिनेशन वो भी करा है। तो उस बारे में मैंने वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब पे था और मम्मी पापा जो है वो कार लेके गए थे और मार्केट से उन्होंने फिक्स करा के लाया, कुछ 2700 के अराउंड पड़ा था उनको, जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव साइड पे पड़ा जिस टाइप का जो क्वालिटी ऑफ मैट है, लेकिन वर्क जो उन्होंने किया वो अच्छे से किया है, फिटिंग भी प्रॉपरली, जो मैट का क्वालिटी उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लग रहा है मुझे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं मैट्स के बारे में, तो अभी तक तो लैमिनेशन ही करा है, 70 mats नहीं डाली अभी तक मैंने। तो या मयंक लोखंडे भाई, अगर आपको 70 mats के बारे में जानना है, तो अभी फिलहाल तो मैंने इंस्टॉल नहीं करा है कार, अभी के लिए तो फिलहाल नॉर्मली मैट्स है, जो लैमिनेशन हम बोलते हैं उसको फ्लोर लैमिनेशन करा है नॉर्मल मैट से, और जो उसके ऊपर है ऑन टॉप ऑफ दैट रबर मैट से जो टाटा की तरफ से हमें एज अ एक्सेसरीज प्रोवाइड की गई थी। और
और गाइज अगर आप लोगों को कुछ और सवाल भी होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज हेजिटेट मत करना, कमेंट्स में जरूर करना। मैं अगली बार फिर से पिकअप करूंगा कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे होंगे आपकी तरफ से, तो मैं उनको जरूर मतलब जो है वो रिप्लाई भी करूंगा, आंसर भी दे दूंगा। और अगर मैं जल्दी रिप्लाई नहीं करता तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आजकल मैं वहां पे थोड़ा सा एक्टिव रहने लगा हूं इंस्टाग्राम पे, तो या वहां पे भी आप मुझसे जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके सीधा फॉलो कर सकते हो। नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन होगा तो आप वहां पे भी पूछ सकते हो। आगे की बात करूं तो गाइस, जो अपने टाटा टिगोर का जो फ्यूल टैंक होता है बॉटम साइड पे, उसके नीचे एक इंसुलेशन सा लगा रहता है जो काइंड ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल टाइप दिख रहा है वो मुझे, बट वो थोड़ा सा थिक इंसुलेशन है, रबर भी मिक्स्ड है शायद से उसमें। तो वो एक पार्ट उसके टोटल तीन पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट जो है वो आधा उसमें से लटक गया था नीचे, तो वो कुछ वियर्ड सा दिख रहा था वो जब लटक रहा था। मुझे भी नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या था वो, मैंने कार के अंदर देखा तब जाके रियलाइज हुआ कि ये जो फ्यूल टैंक है हमारा टिगोर का, उससे जो इंसुलेशन चिपका हुआ रहता है वो आधा पार्ट जो है वो नीचे लटक रहा है। तो दूर से अगर हम देखते हैं कार को बैक साइड से, तो ऐसा लगता था कि कुछ पार्ट जो है वो नीचे लटक रहा है कार के। और जब मैंने फिर उसको और रेक्टिफाई किया तो वो एक्चुअल में इंसुलेशन निकला फ्यूल टैंक के नीचे जो लगा रहता है टाटा की तरफ से, तो जो उसका जो गम था वो छूट रहा है धीरे धीरे, पता नहीं इतने जल्दी क्यों। तो मैंने सीधा क्या किया सोल्यूशन उसके लिए, मैं कार के अंदर घुसा हॉट ग्लू गन लेके और उसमें हॉट ग्लू जो है वो मार दी, तो अभी टेम्पररी तो अभी वो फिक्स हो चुका है प्रॉब्लम, सिर्फ उसका गम निकल गया था बाकी कुछ नहीं, इंसुलेशन आधा थोड़ा सा लटक रहा था तो मैंने वो फिर से चिपका दिया ऊपर। तो यही था बाहर की ओर से अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर का एक और फ्लॉ, तो इंसुलेशन काफी जल्दी जो है वो निकल गया था। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट, कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, एंड एज वेल एज इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, UK_कांडेकर, उस पर आप जाके मुझसे सवाल कर सकते हो, और आपको मैं जितना पॉसिबल हो सके उतने जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा गाइस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।